हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.3। तो इसके 10वें लास्ट क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन में बोलता है कि 3m बराबर है 5m माइनस 8 अपॉन 5। तो इसमें से m की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में समझा था, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसकी वीडियो के एंड में भी आ जाएगा, तो आप वहाँ पे इससे जाके देख लेना। तो उसमें भी यही था कि भाई एम वालों को, या उसमें वाई था तो वाई वाले टर्म को एक साइड कर दिया, इसमें एम है तो इस वाले एम को इक्वल टू के राइट साइड से लेफ्ट साइड लाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला बचा और इसको हमने राइट साइड ही रखा है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, तो 5 m में उसमें 3 गए तो 3 गया तो उसमें 2 m बचेगा, आएगा माइनस बड़े का निशान माइनस 8 अपॉन 5। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2 m इजिकल टू 8 अपॉन 5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 10। अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखिए, 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब बाकी नहीं कटेगा तो आ जाएगा 4 अपॉन 5, मतलब +4 अपॉन 5। तो इस तरह से था ये। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखना, आपको आंसर समझ आ जाएगा। और किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाय।